नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। 4 नवंबर को भाटी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से खफा हेमंत भाटी ने आगामी विधानसभा में ताल ठोक दी है। द्रौपदी कोहली को टिकट मिलने के बाद से खफा हेमंत भाटी आज अपने निवास स्थान पर मीडिया से रूबर हुए और कहा कि वह 4 नवंबर को निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हर तरह से मैं कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, उसके बावजूद भी मेरे टिकट को काट दिया गया। मैंने 10 साल मेहनत कर अजमेर में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखा, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी है, ये कतई उचित नहीं है। इससे व्यवस्थित होकर मैं 4 नवंबर को निर्दलीय नामांकन भर रहा हूँ। मुझे किस तरह से क्या रहेगा कांग्रेस से छोड़ के नामांकन? आप देखिए, पिछले 10 सालों से मैंने 2 चुनाव लड़े कांग्रेस के, जिसमें 2018 का चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हारा। उसके बावजूद सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे अजमेर के हर एक कार्यकर्ता को मैंने साथ लेकर कांग्रेस की रीति नीतियों को पूरे अजमेर शहर में एक आम मतदाता को उसका फ़ायदा भी दिलाया, उनकी सहभागिता भी हमने करी। आला कमान के जितने भी आदेश हुए, जितने कार्यक्रमों को करने के लिए, हमने बखूबी उसको निभाया और सबको हम साथ लेकर चले। आला कमान ने अभी कुछ कसौटियां तय की थी, जिसके अंदर पर्यवेक्षक भी आए, प्रभारी भी आए और सबने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। उसके बावजूद भी जो हमारी संघर्ष था, हमारी एक भागीदारी जो हमने कांग्रेस में रखी थी, उनको नज़रअंदाज करते हुए हमारा टिकट काट दिया गया, सिर्फ अपने आपसी मतभेद और मनभेद को लेकर, कि पायलट गुट का होने के नाते मेरा टिकट काट दिया गया। जबकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति पूरे 5 साल अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहा है और कांग्रेस के कार्य को किया है, उनको टिकट दिया जाएगा और जिताऊ कैंडिडेट है। पूरे शहर के अंदर जब से डिक्लेयर हुआ है कि भाई मेरा टिकट काट दिया गया है, सभी लोग व्यथित हैं और विचलित हैं, और उन्हीं की मांगों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि 4 नवंबर को सुबह 10 बजे एक रैली के रूप में जाकर हम नामांकन दाखिल करेंगे। और लोगों का साथ मुझे मिल रहा है और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ अजमेर शहर की जनता से कि अब इस वनवास को ख़त्म करने का समय आ गया है और उसका अधिकार आपके पास है। जिताने वाली और हराने वाली जनता होती है, आप अपने मत का प्रयोग करें और 4 तारीख को मेरे नामांकन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कलेक्ट्री पर आकर और नामांकन पत्र दाखिल कराएं और अजमेर शहर के अंदर जो विकास की गंगा रुकी हुई है उसे आगे बढ़ाने में आप सभी मेरा साथ दें और इस चुनाव को एक धर्म युद्ध समझ कर हम लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने विधायक जिताए हैं उन्होंने अजमेर शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। अतः मेरी आपसे अपील है कि आप इस धर्म युद्ध में मेरा साथ दें और 25 नवंबर को जो मतदान होने वाला है उसके अंदर मेरे नाम के आगे का बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं और अपने सुख और दुख में सहभागिता देने का मुझे एक मौका दें। मुद्दे क्या देंगे? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि अजमेर शहर में विधायकों ने जीतने के बाद भी किसी भी मुद्दे को सुलझाया नहीं हो, भले पानी की सप्लाई का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, नालियों का हो। सिर्फ पत्थर लगने से विकास नहीं होता है कि आपने पत्थर लगा दिया विकास हो गया। इंडस्ट्रीज़ के नाम पर आप देखें अजमेर शहर के अंदर क्या हुआ, रोज़गार के कौन से ऐसे स्रोत हैं जो यहाँ पर खोले गए हैं। मेडिकल सुविधा को अगर आप देखें तो उसको लेकर भी उच्चतम क्वालिटी की जो मेडिकल सुविधा अजमेर शहर को दी जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं दी गई है। और एजुकेशन सेंटर्स जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और इतना खर्चा माता पिता का होता है, उस एजुकेशन सेंटर को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है। अजमेर शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बदहाल हो चुका है कि आप देखते हैं कि जो निचली बस्तियाँ वहाँ पर, अभी आपने देखा विपर जो आया था और पानी भरने की समस्या इतनी ज़्यादा रही कि लोगों को खाने को या खाना बनाने के लिए इतनी सुविधा नहीं थी, उनके घरों के अंदर पानी था, मगर विधायिका ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं समझी।
इसी तरह से पूरे अजमेर शहर के अंदर विकास के नाम पर विधायकों को जीरो नंबर दिया जाता है। आप पूरे अजमेर दक्षिण के अगर स्थिति देखें तो किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर काम नहीं हुआ, भले वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, हर तरह का अभी अभाव है, जिसके लिए बहुत काम करना यहाँ पर ज़रूरी है। मैं उन सभी मुद्दों को जो है प्राथमिकता देते हुए उस पर काम कर रहा हूँ। तो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं जिसके लिए हमें उदयपुर और जयपुर जाना पड़ता है, वो सुविधाएं अजमेर के अंदर ही सहज उपलब्ध कराना। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरपूर योजनाएं दी, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, मगर वो इलाज भी उच्चतम क्वालिटी का अजमेर शहर के अंदर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए जयपुर जाना पड़ता है। आप प्रबल दावेदार थे कांग्रेस से, उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, ये पूरी जो अव्यवस्था चल रही है उसका कारण भी आप लोग जानते हैं कि जो मनभेद और मतभेद माननीय गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के अंदर इंटरनली चल रहे हैं, उस बात के मद्देनज़र चूंकि मुझे पायलट समर्थक माना जाता है इसलिए मेरा टिकट काट दिया। अच्छा, जीतने के बाद अगर जीतते हो तो क्या वापस कांग्रेस में जाओगे क्या? ये सब बात के मुद्दे हैं, इसकी भी जो जनता निर्णय करेगी मैं उस पर विचार करूंगा। पहले जीतना ज़रूरी है, जो कि जनता की प्रथम मांग है कि हमें इस बार हेमंत भाटी चाहिए।